उन्हें नहीं पता कि उनका बाप खड़ा है सामने और वो भी इंडिया, और भाई इंडिया जैसी टीम का मुकाबला करना आसान तो नहीं है। हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता, टेस्ट मैच जरूर हरा सकता है, सीरीज नहीं कोई हरा सकता। टेस्ट मैच हरा हुआ, सीरीज नहीं इंडिया हरा हुआ, वो अलग बात है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है अपने होम ग्राउंड बांग्लादेश से खेलना था, उन्हें पता था कि हम बांग्लादेश को इजीली हरा लेंगे, लेकिन इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, तीन टीमों के फर्स्ट क्लास चार रोजा मैचेस हो रहे थे, उनको क्या जरूरत है, इंडिया को क्या जरूरत है, 2012 से अनबीटन है, 17 सीरीज में अनबीटन है, 52 टेस्ट मैचेस में सिर्फ चार टेस्ट मैच हारे थे बांग्लादेश से पहले। नो डाउट इंडिया की फार बेटर टीम है, नंबर वन है इंडिया में, मेरे ख्याल से इंडिया से जीतना हर टीम की मैं बार बार बोलता हूँ ख्वाहिश होती है, लेकिन वो ख्वाहिश बहुत कम पूरी होती है। 2012 के बाद कोई टीम वहां जाके सीरीज नहीं जीत सकी, तो ये उनकी मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट है और पॉजिटिव क्रिकेट है। इंडिया अपने सेकंड टेस्ट के ऊपर जा रहा है और सेकंड टेस्ट में वही कुछ नजर आ रहा है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया बांग्लादेश व्हाइट वॉश करके गया और अब इंडिया में व्हाइट वॉश होने के लिए जा रहा है और ये बात निश्चित है। देखे यार कानपुर का हमें तो नहीं पता कि यार वहां अगर बारिश हो रही है या बारिश है वहां पर मुतासिर हो सकता है, तो ये तो भैया कुदरत के निजाम पे चली जाएंगी चीजें, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हम इसके ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं कि बारिश हो जाएगी मैच जीत जाएंगे। अलग दूसरा टेस्ट मैच आ गई है वो घड़ी, लेकिन शायद कि आप उतनी एंटिसिपेशन नहीं है, उतना इंतजार नहीं है जितना इस सीरीज से पहले हो रहा था। तो जो हुआ पूरे मैच में वो हमने देखा, इंडिया दे वर टू गुड फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश बेशक के फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा इंप्रूव किया बांग्लादेश ने, लेकिन ओवरऑल अभी भी जमीन आसमान का फर्क नजर आया। तो आप कह सकते हैं कि जब हमें काफी हद तक पता है कि क्या होने वाला है इस मैच में भी, तो वो जो माहौल है ना वैसा शायद इस मैच को लेकर नहीं है जैसा कि पहले वाले को था, जहां पर आपको देखने को वो वाला सीन नहीं मिलेगा जहां आपको प्रॉपर स्पिन विकेट मिलेगी, एक प्रॉपर जैसी वो इंडिया की ट्रेडिशनल सी विकेट है ना, और जो मुझे लगता है न्यूजीलैंड वाली सीरीज से पहले थोड़ी अनाउंसमेंट भी है कि भाई हम न्यूजीलैंड को फास्ट विकेट नहीं देंगे, हम न्यूजीलैंड को ऐसी टाइप विकेट पे ही रगड़ा देंगे जहां पे तीन स्पिनर्स को खिला के, तो वो वाला मुझे लगता है प्रॉपर जो इंडिया का ट्रेडिशनल विकेट होता है ना, जाहिर सी बात है इस जगह पे 2021 में लास्ट मैच हुआ था, अभी तक मैच नहीं हुआ तो विकेट भी उस तरह से तैयार नहीं होगी, वही पुरानी ट्रेडिशनल रैंक टर्नर टाइप विकेट होगी। कानपुर की विकेट है भी ऐसी, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जहाँ कुलदीप खेला था उसने विकेट्स ली थी जब इंडिया खेला था, और उन्होंने एक टीम बनाई है जो मेरे ख्याल से दुनिया में अगर देखा जाए सबसे टॉप क्लास जो होम सीरीज खेलती है वो इंडिया की टीम खेलती है, उन्होंने टीम अपनी ऐसी बिल्ड की हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है, और कानपुर में आपको पता है कि स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, बांग्लादेश की टीम को चाहिए कि अपना एक स्पिनर ऐड करें क्योंकि साकिबुल हसन भी फिट नहीं है, फिंगर पे बॉल लगा हुआ है और बॉलिंग कर नहीं सकता, पहले टेस्ट मैच में हमने देखा कि कितनी स्ट्रगल कर रहा था बॉलिंग करते हुए, एज अ बैट्समैन खेल सकता है, बैट्समैन भी पूरा, लेकिन तीन फास्ट बॉलर्स हैं, अब दो फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट जो टेस्ट मैच है तीन तीन स्पिनर्स खेले थे और स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था, ये सारी चीजें देख के बांग्लादेश डेफिनेटली ये चीज करेगी। और दूसरा मेरे ख्याल से रन्स करने बड़े जरूरी हैं। क्या जाए तो उनके कैप्टन ने 280 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त खाने के बाद भी बांग्लादेशी कैप्टन फिर से दावा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कमबैक करेंगे और इंडिया को सेकंड टेस्ट में हरा देंगे, ऐसा क्या वो सोच रहे जिस वजह से इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं? यार बांग्लादेश की टीम का कैप्टन पैट कमिंस थोड़ी ना जो बात पूरी करे, वो भी इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर जाके तेरे सवा लाख की बाम को चुप करवाए, यार हर कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं हो सकता, हर कोई ऑस्ट्रेलियन पैट क्यूमिंस, मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ नहीं है, यार क्या बंगालियों ने करना है खेल करिए, तो भाई टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट प्रैक्टिस हो रही है इंडिया की। हार कट इंडिया जाते उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी, अहमियत ही नहीं थी, शोर बरपा क्या हुआ कि भाई ये किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी खामियां थी, बॉलर्स कमजोर पड़े हुए थे, बल्लेबाजों से शोरा अफाक रन्स नहीं हो रहे थे, कप्तान पाकिस्तान का डिलीवर नहीं कर पा रहा था शान मसूद, या वजह फला 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 फला, तो भाई वो जीत गए फिर भी, तो ये अनहोनी कर कर अगर वो इंडिया में कदम नहीं रखते तो उनको इतनी हाइप मिलने वाली नहीं थी। एक तो इंडिया बहुत अरसे के बाद टेस्ट मैच खेल रहा था, और दूसरा ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत के गई थी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात शांतु ने बोला कि हम कोशिश करेंगे जीतने की 2-0, फिर रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला यार किसी को इंडिया को ही हराना है, चाहे वो इंग्लैंड हो या कोई और टीम हो, जैसे भी आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है हमने क्या करना है और हम अपनी टीम की जीत के लिए जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, और फिर वही हुआ। और जैसे मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया, इसके बावजूद कि दो मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर आपके इन शेप ऑफ विराट कोहली एंड कैप्टन रोहित शर्मा कामयाब नहीं रहे बल्ले से, दोनों बारियों में मिला के 34 रन हैं तो कामयाब तो नहीं कहेंगे, उसके बावजूद जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था वो बहुत ही मैसिव था, बहुत ही मैसिव, तो पता चल गया कि हाँ जी इंडिया जो है वो काफी स्ट्रांग है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश बेशक पाकिस्तान में तो आगे जीत के चली गई है, 26 पे 6 आउट होने के बाद भी वो मैच निकाल के चले गए और 450 पे पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया पहले मैच में, उसके बावजूद भी पाकिस्तान हार गया, बट दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया, और इंडिया की जो डोमिनेशन है इतने अरसे से वो ऐसे ही नहीं बनी हुई। इंडिया के खिलाफ 100% नहीं, आप सिर्फ 50% भी एफर्ट कर लेंगे ना, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ इस सीरीज से बांग्लादेश की टीम हासिल कर लेगी कॉन्फिडेंस,
सेल्फ बिलीफ, ये सारी चीजें, और ये स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है और इसका फायदा बिल्कुल उठा के जाना चाहिए। लास्ट टेस्ट मैच है और सिर्फ वो है कि जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में हमारे मुल्क में जैसे रन करके दिखाए वैसे रन करें, वैसे बैटिंग करें, बॉलिंग वैसी करें। और इंडिया की टीम, आपको पता है कि अभी कोहली ने रन नहीं किए, रोहित ने रन नहीं किए, कप्तान ने, के राहुल ने रन नहीं किए, तो उसके बावजूद आप देखें कि कितना जबरदस्त उन्होंने टेस्ट मैच खेला, डोमिनेट किया। और रविचंद्रन अश्विन ने कमाल 100 किया, जडेजा ने जैसे 86 रन बनाए हैं, पंत ने अपना इंपैक्ट दिखाया 2 साल के बाद आके, अनबिलीवेबल, गिल ने 100 बनाया, देखिए सबने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जयसवाल ने पहले टेस्ट मैच, पहली इनिंग में 50 किए हैं। तो जब ये तीनों रन कर लेंगे तो ये क्या बैटिंग लाइनअप हो जाएगी। फिर न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है तो उनके खिलाफ तो आपको पता है कि रन कितने जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा मौका कि कल ये बैट्समैन रन करें, फिर विराट कोहली 9000 रन कंप्लीट। हमारा भी इतना बुरा हाल नहीं था, ये प्रॉब्लम ये कि हम दूसरों को देख के उनकी चीजें प्रायोरिटीज नहीं बना रहे, करना चाहते हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट को अगर छोड़ दिया, हमने सोच लिया कि हम बांग्लादेश से आ गए तो हम इंग्लैंड से नहीं जीतेंगे, तो अगर हम यही टूर्नामेंट 4 रोजा टूर्नामेंट कराते आज हमारी टीम फुल स्ट्रेंथ पे होती और हमारे बैट्समैन इन फॉर्म होते। बिल्कुल सही बात है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूजीलैंड जैसा साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेला था, तो ये प्रॉपर रैंक टर्नर होगा। अब जहां पे आता है कि भाई स्पिनर आप किसको लाओगे, कुलदीप को लाओगे या अक्षर पटेल को लाओगे, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस तीनों हैं। जैसे मैंने नेट्स में वीडियो देखी, बुमराह भी बॉलिंग कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया 2 स्पिनर 3 पेसर्स के साथ ही चला जाए, ऐसा भी हो सकता है बुमराह को निकाल के जसदयाल को लाया जाए, तो ये सारी मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। बैटिंग में तो कोई चेंज नहीं होगी, ये तो फॉर श्योर है। विराट कोहली रोहित शर्मा की फॉर्म पे बात करते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो भाई बॉलिंग में मुझे लगता है एक आधी चेंज हो सकती है, बुमराह को बिठा सकते हैं, जब बुमराह को खिला के सिराज और आकाशदीप में से, मतलब बुमराह को चाहेंगे कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच खेले, रिदम आए, तो इस वजह से वो बुमराह को खिला भी सकते हैं। नहीं नहीं, कुलदीप यादव का, और कुलदीप यादव क्या खेलेगा कि नहीं, जैसे आपको बताया था, वैसे तो जो पिच है वो काफी फ्लैट ही रहेगी और स्लो रहेगी, और आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि लास्ट टाइम यहां पे न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ मैच खेला था तो समहाउ न्यूजीलैंड दे मैनेज टू ड्रॉ द मैच, जो कि बड़ी अनलाइकली सी बात है कि इंडिया में मैच ड्रॉ नहीं होते, पहले खत्म हो जाते हैं। वैसे भी कहीं पे भी देखा जाए तो आजकल ड्रॉ मैचेस जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इंडिया में तो बिकॉज इंडिया दे आर टू स्ट्रांग एट होम, तो ड्रॉ भी जो टीम करके चली जाए तो वो भी लगता है कि जनाब उन्होंने जीत ही लिया मैच, इतनी तगड़ी और स्ट्रांग टीम के साथ मैच है, और वो कोई अगर ड्रॉ करके निकल जाए पतली गली से तो वो भी बंदा कहता है यार कमाल है जी। तो यही न्यूजीलैंड ने किया लास्ट टाइम व्हेन दे प्लेड हियर, और हालांकि अश्विन भी था, जडेजा भी था, अक्षर पटेल भी था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है, भारतीय टीम ने अपने दूसरे टेस्ट के लिए किए बदलाव, इसी को देखकर के पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार यानी कि आज कानपुर में खेला जाएगा। आगामी मैच में भारतीय टीम 2-0 से क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर उतरेगी। माना जा रहा है कि रोहित इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में अहम बदलाव कर सकते हैं, वह एक तेज गेंदबाज को आराम दे सकते हैं और स्पिनर को मौका दे सकते हैं। यह मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, भारत का टेस्ट में रिकॉर्ड यहां पर शानदार रहा है और भारतीय टीम ने यहां कुल 23 मुकाबले खेले हैं, इनमें मेजबानों ने 7 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 13 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं और इस मैदान पर हमेशा से स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, ऐसे में भारतीय कप्तान आगामी मैच 3 स्पिनर्स गेंदबाजों को मौका दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, रविंद्र चंद्र अश्विन, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, ये प्लेइंग 11 की संभावना है। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।